टू स्टडी टिप्स। आज है 22 जून और आज हम करेंगे 21 और 22 जून, क्योंकि 21 जून का करंट अफेयर्स नहीं आया था किसी कारणवश, तो आज हम करेंगे 21 और 22 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में एक इंप्रूवमेंट फील होगा। देखिए, करंट अफेयर्स का अगर आज हम करंट अफेयर्स के सेक्शन में बात करें, तो करंट अफेयर्स का जो एरिया है, जो करंट अफेयर्स का जो एक्सपेंशन है, वो इतना वाइड है, इतना ज्यादा फैला है कि आप कितना भी करें करंट अफेयर्स वो कम होगा। लेकिन हम इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर अगर 10 या 15 ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यू के फॉर्मेट में और उसके साथ जितने भी फैक्ट्स बनते हैं वो अगर करते जाए डेली बेसिस पर, आप अगर डायरी में इसको नोट डाउन करते हैं, तो आपको जरूर ही इससे बहुत ही इंप्रूवमेंट महसूस होगा, जरूर ही आपको इससे फायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन को। तो देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस और यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। कौन सा दिन मनाया जाता है? 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जाता है। इसको याद रखना है आपको, ठीक है, 20 जून को मनाया जाता है। ये जो यूएन के द्वारा मनाया जाने वाला विश्व शरणार्थी दिवस, जो इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत जो यूएन के द्वारा किया गया था सन 2001 में, फर्स्ट बार मतलब पहली बार विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया था, ठीक है, 2001 में, 20 जून 2001 को विश्व शरणार्थी दिवस सबसे पहले यूएन के द्वारा मनाया गया था। देखिए, ये जो विश्व शरणार्थी दिवस में जो इस बार जो यूएन ने कहा है कि जो कोविड महामारी और भी जो जितने भी अभी आपदा आप लोगों ने देखा होगा प्रकृति से रिलेटेड, तो उसके कारण जो भी उत्पन्न हुए संकट या फिर शरणार्थियों से रिलेटेड, तो हम को यूएन ने बताया कि हम लोग अगर साथ खड़े रहेंगे, साथ एक साथ मिलकर चलेंगे, तभी सफल होंगे। तो इस थीम पर इस बार विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। तो अगर बात करते हैं कि विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है। विश्व शरणार्थी दिवस का इस बार का थीम रहा है, 2021 का थीम रहा है, टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। टुगेदर वी हील यानी कि हम साथ ही सफल हो सकते हैं, हम साथ ही हील हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ठीक है, सीख सकते हैं। तो इस थीम पर यूएन का जो थीम रहा है टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन, विश्व शरणार्थी दिवस का आपको इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, जो कि आप लोग बहुत इससे भली भांति परिचित होंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों कि हमारे इंडिया के द्वारा इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, मोदी जी के द्वारा प्रयास किया गया कि पूरे विश्व पटल पर योग को एक पहचान मिले। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में ये छठवां संस्करण है इसका, 2021 में ये छठवां संस्करण है। यानी कि देखिए, अगर बात करें ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की, तो 11 दिसंबर 2014, ठीक है, 11 दिसंबर 2014 को यूएन के 177 मेंबर, ठीक है, यूएन में जितने मेंबर है उनमें से 177 मेंबर कंट्री के द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को के प्रस्ताव को मंजूरी मिली, और उससे 90 दिनों के बाद इस मंजूरी को, ये जो प्रस्ताव था, इसको 100% पूर्ण बहुमत के द्वारा पारित कर दिया गया। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखा गया है, मतलब ये देखा नहीं गया, ये सच में है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए जो प्रस्तावना यूएन में लाया जाता है, यूएन के जनरल असेंबली में लाया जाता है, तो सबसे कम दिनों में जो पारित होने वाला, पूर्ण बहुमत से पारित होने वाला दिवस है, यानी कि 90 दिनों में, यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और 11 दिसंबर 2014 को 177 मेंबर के द्वारा ये मंजूरी मिली थी, और फर्स्ट टाइम इसको कब मनाया गया, तो 21 जून 2015 को फर्स्ट योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था, ठीक है, और ये इसका छठवां संस्करण है। बहुत ही गर्व की बात है हम लोगों के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। योग का बहुत ही महत्व है दोस्तों, आपको योग करना ही चाहिए। अगर 21 जून की ही बात करें तो यहाँ पर और ही देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज मनाया गया 21 जून को, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 21 जून को। और विश्व संगीत दिवस, विश्व
संगीत दिवस भी 21 जून को ही मनाया जाता है, विश्व संगीत दिवस भी 21 जून को ही मनाया जाता है। तो दो डे और याद रखना है 21 जून के साथ, अंतरराष्ट्रीय संक्रांति दिवस और विश्व संगीत दिवस, ठीक है 21 जून को। 21 जून की अगर बात करें तो ये वर्ष भर में यानी कि साल में सबसे बड़े दिन के रूप में, सबसे लंबे दिन के रूप में इसे जाना जाता है 21 जून को। चलिए आगे देखते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं जून से रिलेटेड वो क्या करेंगे हम लोग एक बार करके रिवीजन कर लेंगे, जिससे हमको एक नंबर यहां से क्या हो फिक्स हो जाए। फर्स्ट डे को, फर्स्ट जून को कौन सा डे मनाया गया, ग्लोबल पेरेंट्स डे, ग्लोबल पेरेंट्स डे। तो वहीं सेकेंड जून को मनाया जाता है दो डे, तेलंगाना फॉर्मेशन डे और इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे, ठीक है। थर्ड जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे, वर्ल्ड बाइसिकल डे यानी कि विश्व साइकिल दिवस। फोर्थ जून को कौन सा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन ऑफ विक्टिम ऑफ एग्रेशन, ठीक है। पांच जून को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना ही रखना है, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इसका इस बार का थीम रहा था इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। तो वहीं सात जून को मनाया गया इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ये लेवल कौन सा है, तो रेलवे ट्रैक को जो पार करते हैं उसको सावधानी से पार करने के लिए जो जागरूकता दिवस मनाया जाता है वो सात जून को मनाया जाता है। 8 जून को कौन सा डे मनाया गया, वर्ल्ड ओशियन डे यानी कि विश्व महासागरीय दिवस। 9 जून को मनाया गया विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। 10 जून को मनाया गया वर्ल्ड ग्राउंड वाटर अवेयरनेस डे यानी कि विश्व जल भूगर्भ जल जागरूकता दिवस। 12 जून को कौन सा डे मनाया गया, वर्ल्ड चाइल्ड लेबर अगेंस्ट डे, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, तो 13 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। 14 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो ये सब डे को आपको बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट डे है, इसे आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग अब चलते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे वो हमने रिविजन कर लिया, अभी हम लोगों ने देखा 20 जून और 21 जून के डेज को। चलिए आगे देखते हैं कि गुरु प्रसाद मोहपात्रा, ठीक है, गुरु प्रसाद मोहपात्रा आप देख रहे होंगे गुरु प्रसाद मोहपात्रा को, ठीक है, इनका निधन हो गया है। ये किस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे अभी, ठीक है, तो DPIIIT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के सेक्रेटरी थे गुरु प्रसाद मोहपात्रा, और इनका निधन अभी अभी हो गया है, ठीक है। आपको इसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु प्रसाद मोहपात्रा, अगर आपको ऑबिचुअरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे इसी तरह से पूछा जाएगी, ये कौन थे, क्या थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो आपको इस नाम को याद रखना है, एक बार अगर आप इसको देखेंगे तो याद रहेगा, गुरु प्रसाद मोहपात्रा जिनका निधन हो गया है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के अभी अभी सेक्रेटरी थे और इनका अभी निधन हो गया है। इससे पहले जब ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। और इसके बाद, इससे पहले ये क्या थे, कॉमर्स डिपार्टमेंट यानी कि जो क्या बोलते हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट के ये उपाध्यक्ष भी थे, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि जो कॉमर्स डिपार्टमेंट था इसके भी ये उपाध्यक्ष थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के सचिव रहते हुए, सेक्रेटरी रहते हुए इनका निधन हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है। देखिए दुनिया का तीसरा सबसे, हम लोग जानते हैं कि जो अफ्रीका वाला रीजन है, ठीक है, साउथ अफ्रीका वाला रीजन जो है, आप वहां पर जानते होंगे यहाँ हीरे का खान बहुत ज्यादा है, ठीक है। अफ्रीका वाला रीजन जो है, अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ हीरे का खान बहुत ज्यादा है। तो यहाँ ऑब्वियसली बात है कि जो बड़े हीरे होंगे, जो ज्यादा हीरे मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, वो अफ्रीका वाले रीजन में मिलते हैं। तो अभी दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा हीरा, मतलब तीसरा सबसे बड़ा हीरा, जो इससे पहले दो और हीरे मिल चुके हैं, तो ये मिला है बोत्सवाना में, ठीक है। बोत्सवाना में ये हीरा, तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। अगर बात करते हैं कि इस हीरे को खोज किसके द्वारा किया गया है, तो इस हीरे को खोज किया गया है डेबस्वाना, इसको याद रखना है, इस तरह से आप उस फैक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। वैसे आपके काम की चीज, अगर आप इसे भी याद रखना चाहें कि तीसरा सबसे बड़ा हीरा बोट्सवाना में मिला और कुछ बात करेंगे तो उसको याद रख लीजिएगा, तो डेबस्वाना डायमंड कंपनी, ठीक है, डेबस्वाना डायमंड कंपनी। उसके बाद जो बोट्सवाना का गवर्नमेंट है, ठीक है, बोट्सवाना
गवर्नमेंट, बोट्सवाना सरकार, गवर्नमेंट, और एक साउथ अफ्रीका की कंपनी है डी बियर्स, ठीक है, एक साउथ अफ्रीका की डायमंड कंपनी है डी बियर्स, साउथ अफ्रीका की, ये साउथ अफ्रीका की कंपनी है, ठीक है, साउथ अफ्रीका की कंपनी है डी बियर्स, इन तीनों के, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर, इन तीनों ने मिलकर एक संयुक्त वेंचर, यानी कि एक संयुक्त उद्यम के रूप में, संयुक्त रूप से इन तीनों ने मिलकर इस हीरे की, तीसरे सबसे बड़े हीरे की, ये जो आप देख रहे होंगे, तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज किया गया है। किसके द्वारा? तो बोट्सवाना में मिला है। और ये जो हीरा था, इसका जो कैरेट अगर पूछा जाए तो 1098, यानी कि 1098 कैरेट का ये हीरा था, ठीक है, 1098 कैरेट का ये हीरा था। और इसको खोजने के बाद भेंट स्वरूप बोट्सवाना के जो राष्ट्रपति हैं मोके गसेसी, ठीक है, बोट्सवाना के राष्ट्रपति हैं मोके गसेसी, ठीक है, मोके गसेसी मासी, आपको इसे याद रखना है कि बोट्सवाना के जो राष्ट्रपति हैं मोके गसेसी, ठीक है, मोके गसेसी मासी, तो इसको क्या किया है, इसको इसको मिला है, इसको भेंट के स्वरूप में दिया गया है ये हीरा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो पहला और दूसरा हीरा था ये कब मिला था, पहला और दूसरा हीरा कब मिला था, तो पहला हीरा जो मिला था वो साउथ अफ्रीका में मिला था, ठीक है, पहला हीरा 1905 में साउथ अफ्रीका में, ठीक है, ये हीरा मिला था। और उसका अगर कैरेट का बात करें तो वो 3106 कैरेट का हीरा था, 1905 ईस्वी में मिला था साउथ अफ्रीका में। दूसरा हीरा मिला 2015 में, दूसरा सबसे बड़ा, पहला सबसे बड़ा हीरा साउथ अफ्रीका में मिला 3106 कैरेट का, दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है 1109 कैरेट का, ठीक है, 1109 कैरेट का, ठीक है, और ये मिला था बोट्सवाना में, ये बोट्सवाना में ही मिला। और तीसरा सबसे बड़ा हीरा भी बोट्सवाना में ही अभी मिला है 2021 में जून महीने में, तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। आप ये इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग अगर अगले क्वेश्चन पर देखते हैं तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021। तो जो F1 फॉर्मूला 1 रेस होता है, ठीक है, जो कार रेसिंग कार होता है उसके जो रेस करते हैं, तो उसके कुछ प्लेयर आप लोग जानते ही होंगे, मैक्स वर्स्टेपन है, लिविस हैमिल्टन है, सर्जियो पेरेज है, लैंडो नेरिस है, ठीक है, और भी बहुत बहुत खिलाड़ी आप लोग जानते होंगे। तो इन सब खिलाड़ियों ने में से ही कोई कभी किसी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लेता है, कोई कभी, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो ओमान में ग्रैंड प्रिक्स हुआ था उस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, वो किसने जीता था। फिर उसके बाद अभी हम लोगों ने, जब आप लोग अगर देखेंगे तो डेली वाइज पर आपको करंट अफेयर्स यहां मिलता है तो आपको वहां से भी रिवीजन हो जाएगा। तो जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स अभी जीता है 2021 वाला, ये किसने जीता है, तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन ने ये जीता है। और ये किस देश के खिलाड़ी है, तो नीदरलैंड के ये खिलाड़ी है, नीदरलैंड के ये खिलाड़ी है, यानी कि नीदरलैंड की ओर से ये रेस करते हैं रेसिंग कार। और अगर इस कंपनी की बात करें, किस कंपनी की कार को ये चलाते हैं, तो ये चलाते हैं रेड बुल, ठीक है, रेड बुल, ये याद रखना है। और ये अभी जीता है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को, ठीक है। और बात करते हैं कि ये जो लुइस हैमिल्टन है, ठीक है, ये इस फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स में दूसरे स्थान पर रहे, ठीक है, लुइस हैमिल्टन जो है ये फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स में दूसरे स्थान पर रहे, और सर्जियो पेरेज, ठीक है, ये तीसरे स्थान पर रहे, तीसरे स्थान पर रहे। अगर बात करते हैं लुइस हैमिल्टन की, तो ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं, ब्रिटेन के, और ये किस कंपनी की कार को चलाते हैं, तो ये मर्सिडीज की कार को चलाते हैं, मर्सिडीज, ठीक है। और अगर सर्जियो पेरेज की बात करें तो ये मैक्सिको के खिलाड़ी है, ठीक है, मैक्सिको के खिलाड़ी है, और ये भी रेडबुल के ही कार को चलाते हैं, रेडबुल, ठीक है। तो ये तीन जो थे ये टॉप थ्री थे। अगर बात करें चौथे नंबर पर कौन रहे, तो लैंडो नॉरिस, लैंडो नॉरिस, और ये इंग्लैंड के हैं, ठीक है, ये इंग्लैंड के हैं, और ये भी मर्सिडीज को चलाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को याद रखना है, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन जो कि नीदरलैंड के हैं, रेडबुल चलाते हैं, इन्होंने अभी जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है कि जो बियॉन्ड बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स, ठीक है, बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स बुक किसने लिखा है। तो ये जो बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स है, ये कविताओं का एक संग्रह वाली बुक है, ठीक है, कविताओं का, इसमें 61 पोएम्स का कलेक्शन है, 61 पोएम्स का ये कलेक्शन वाला एक बुक है। इसको लिखा किसने है, इसको लिखा गया है विष्णुपद सेठी के द्वारा, इसको लिखा गया है विष्णुपद सेठी के द्वारा। आप यहां देखते होंगे बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स किसके द्वारा, विष्णुपद सेठी के द्वारा, ठीक है। ये जो उड़ीसा के, ठीक है, ये उड़ीसा के
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव हैं। ये उड़ीसा के सूचना एवं जनसंपर्क, सूचना एवं जनसंपर्क, ठीक है, जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव हैं। और इस बुक का जो लॉन्चिंग किया गया है, इस बुक का जो विमोचन किया गया है, वो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी के द्वारा किया गया है, ठीक है, नवीन पटनायक जी के द्वारा किया गया है। अगर बात करें कि इस बुक को प्रकाशित किसके द्वारा किया गया, तो हर प्रसाद दास के द्वारा और गजेंद्र साहू के द्वारा। गजेंद्र साहू जो है इस बुक के कवर पेज को आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इस बुक के कवर पेज को डिजाइन करने वाले कलाकार का नाम है गजेंद्र साहू। तो आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको बस याद रखना है बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स बुक जो है, ये लिखा गया है विष्णुपद सेठी के द्वारा और इसका विमोचन किया गया, यानी कि इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा, नवीन पटनायक जी के द्वारा। अब बात करते हैं कि द नट मेक्स कर्स पैराबल्स फॉर प्लैनेट इन क्राइसिस, तो अमिताभ घोष की ये बुक है। बुक से रिलेटेड देखिए हम आप क्या करेंगे, जो जीव अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, या फिर यू बोले कि करेंट अफेयर्स का जो टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स होगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि बुक्स होता है, ओबिचोरी होता है, अवार्ड्स होता है, ठीक है, इंडेक्स होता है, एप्स एंड पोर्टल्स होता है, GI टैग होता है, तो इन सबसे जो पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो इसका एक अलग से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स अपने चैनल पर लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि हमारे चैनल पर अब जितने भी वीडियोज, यूजफुल वीडियो डाले जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे, वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे सबसे पहले। देखिए अगर आप अच्छे से किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। 25 जून से हमारे चैनल पर 100 डेज टारगेट बैच RRB NTPC SSC JEE SSC GD SSC CGL CHSL के लिए स्टार्ट होने जा रहा है, तो इस बैच को आप जुड़ना ना भूलें। इस 100 दिनों में हम लोग 2 बार सिलेबस को रिविजन करेंगे और साथ ही साथ टेस्ट लेंगे, मॉक टेस्ट लिया जाएगा, तो आप उस बैच से जुड़ना ना भूले। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि द नट मेक्स कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस बुक जो है, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया अमिताभ घोष के द्वारा ये बुक लिखा गया है। अगर बात करें इस बुक के बारे में, ठीक है, इस बुक के बारे में बात करें, तो आप बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वहीं पर बात करते हैं कि अवतार सिंह भसीन, अभी इन्होंने नेहरू तिब्बत एंड चाइना बुक इसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, नेहरू बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आपको याद रखना है, अवतार सिंह भसीन के द्वारा लिखा गया है। वही नीना गुप्ता की एक ऑटोबायोग्राफी है, सच कहूं तो एक बॉलीवुड से, ये क्या है, एक एक्ट्रेस है, ठीक है, सच कहूं तो नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2021 वाला, इसमें भारत की रैंकिंग क्या आई है, तो भारत की इसमें रैंकिंग आई है 120वां, ठीक है, भारत की रैंकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में कितना आया है, 120वां रैंक आया है। और कितने देशों में, तो 165 कंट्रीज के बीच इस रिपोर्ट को जारी किया गया, और इस रिपोर्ट में जो भारत का स्थान है 120वां है। अगर बात करें फर्स्ट स्थान पर कौन रहा, तो फर्स्ट स्थान पर रहा फिनलैंड, ठीक है, फर्स्ट स्थान पर रहा फिनलैंड। सेकेंड पर कौन रहा, सेकेंड पर स्वीडन। वहीं थर्ड पर कौन रहा, तो थर्ड पर रहा डेनमार्क। इस रिपोर्ट को जारी किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा इसको प्रकाशित किया गया, वहीं पर बात करते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क के जो हेड हैं, इसके हेड हैं जेफरी सैक्स, या यू बोले कि सैक्स, तो ये जो जेफरी सैस हैं, ये जो हेड हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के हेड हैं, और ये इन्हीं के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। और अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर 2 जगह है, ठीक है,
पेरिस जो कि फ्रांस में है और न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो स्विस बैंक है, ठीक है, स्विस नेशनल बैंक जो है, इसमें जो जमा राशि है, इसमें जो जमा फंड होते हैं, ठीक है, इसके मामले में भारत भारत का कौन से स्थान पर है। ठीक है, मतलब बात करते हैं कि जो बहुत सारे देश स्विस बैंक में पैसे जमा करते हैं, तो अलग अलग देशों का जितना फंड वहां पर जमा है, तो उस फंड के हिसाब से किस देश का कौन सा रैंकिंग है। तो भारत का इस बैंक में जो जमा राशि है उसके हिसाब से इसका रैंकिंग आया है 51st, यानी कि 91वां देश है वो जिसका की जमा है राशि सबसे, 91वां सबसे ज्यादा जमा करने वाला स्विस बैंक में भारत है। ठीक है, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि भारत का कौन सा स्थान है। आप अगर चाहें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को भी हम वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो स्विस नेशनल बैंक है, जो स्विस नेशनल बैंक है, बैंक इसके प्रेसिडेंट कौन है। इसके प्रेसिडेंट है थॉमस जे जॉर्डन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बर्न ज्यूरिख। ठीक है, बर्न ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंडिया को टॉप किसने किया है। तो इंडिया में जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया है, अभी अभी हमने देखा था वर्ल्ड लेवल पर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में टॉप किसने किया था, तो ऑकलैंड ने किया था। लेकिन अगर बात करें ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इंडिया में, टॉप किया है बेंगलुरु ने। बेंगलुरु सबसे अच्छा रहने वाला स्थान के रूप में टॉप किया है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के रूप में बेंगलुरु ने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर चेन्नई रहा, तीसरे स्थान पर शिमला, तो चौथे स्थान पर भुवनेश्वर रहा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक और IMF के ज्वाइंट वेंचर द्वारा एक उच्च सलाहकार समिति का क्या किया गया, गठन किया गया, और उस समिति का सदस्य किसे नामित किया गया है। तो उस समिति का सदस्य मोंटेक आहलूवालिया को नामित किया गया है। ये योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, योजना आयोग के पहले, योजना आयोग नीति आयोग इससे पहले योजना आयोग था, नीति आयोग से पहले योजना आयोग था, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं मोंटेक आहलूवालिया। और वर्ल्ड बैंक IMF का एक अभी अभी एक संयुक्त रूप से एक क्या किया गया, उच्च सलाहकार समिति का गठन किया गया, उसमें इनको लिया गया मोंटेक आहलूवालिया को। और इस समिति का अध्यक्षता संयुक्त रूप से करेंगे मारी पांगेस्टू सेला पाजार सियोग्लू, ठीक है, लॉर्ड निकोलस स्टर्न, ये जो है ज्वाइंट रूप से यानी कि संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, तो और इसको इसके इसके सदस्य के रूप में मोंटेक आहलूवालिया जो कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, इनको क्या किया गया है, अभी अभी इनको इसमें क्या किया गया है, नामित किया गया है। ठीक है, और ये जो समिति है इसका गठन क्यों किया गया, इसका गठन किया गया अभी जो COVID-19 महामारी और जो जितने भी वायुमंडल से रिलेटेड, जो जलवायु से रिलेटेड जो आपदा है, उससे रिलेटेड जो संकट हुआ उसके कारण, बहुत सारे जो संकट के कारण क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर विचार विमर्श करने के लिए उच्च सलाहकार समिति का गठन वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा किया गया, और इसमें मोंटेक आहलूवालिया को सदस्य बनाया गया। तो ये रहा हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 और 22 जून के करंट अफेयर्स। आपको अगर हमारा इंफॉर्मेशन अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां पर पिन कर दिया जाएगा PDF को, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने, अब हम लोग करेंगे कल के नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। और भी बहुत सारे कोर्सेज हमारे चैनल पर 25 जून से लाए जाएंगे, जिसमें टारगेट बैच होगा RRBJEE, RRBSSCJEE, SSCJEE, SSCJD, RRBNTPC CBT2, ग्रुप डी के लिए बहुत ही एक्साइटिंग कोर्सेज लाए जाएंगे, और BPSC के लिए स्पेशल कोर्स हमारे बैच हमारे चैनल पर लाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद, आप सेफ रहें, स्वस्थ रहें, और मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, और जय हिंद, जय भारत।